back to Made Easy. It has been more than a month since ESE results have been declared and since then, हम लोगों को ऐसी queries आ रही हैं कि मेरा selection 9 marks से miss हो गया, मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी selection नहीं हुआ. जितना मेरा दोस्त पढ़ता था, मैं भी उतना ही पढ़ता था, पर उसकी rank बहुत अच्छी आ गई और मेरा selection भी नहीं हुआ. What should I do now? Should I quit preparation? Should I look for other options? Basically, students want to know the reasons behind their delayed success in ESE. तो इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स को एड्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए इसका भी आपको सही जवाब मिले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट टू ग्राफ्स. दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि जैसे टाइम बढ़े रिजल्ट भी वैसे ही बढ़ते रहे. मुझे एक साल हो गया है तो अभी रिजल्ट आ जाना चाहिए. नाउ लुक एट द रियलिटी. सो दिस इज हाउ रिजल्ट वर्सेस टाइम ग्राफ लुक्स प्रैक्टिकली. Result and time do not follow a linear graph. ये जो plateau आप देख रहे हैं ना, this is where most of get stuck and quit, which is wrong. अगर यहाँ थोड़ा hard work किया, तो ये graph फिर से linear path follow करने लगता है. जिन लोगों ने first attempt में भी exam को clear किया है, उनका भी graph ऐसा ही था. उनका भी linear variation नहीं था. Just that they had the patience to hold on. We've all heard the legendary story of Thomas Alva Edison. How he tried 10,000 times before he actually invented the light bulb. The story of KFC owner Harlan Sanders, how it took him 65 years of his life to get his recipe accepted, just because they did not quit. Whenever you think of quitting, just remember that one reason why you started in the first place. Ask yourself just one question. Am I doing what I wanted to? Am I doing this for myself? अगर आपका जवाब ना है, अगर आपने प्रिपरेशन बस अपने पेरेंट्स के कहने पे शुरू की और जस्ट टू गेट द टैग ऑफ IES विदाउट इवन नोइंग हाउ लाइफ ऑफ एन IES एक्चुअली इज, या आपको प्रिपेयर करते हुए अब 3-4 साल हो चुके हैं बट यू थिंक यू आर नॉट इवन क्लोज टू सक्सेस, देन यू आर लुकिंग एट रॉन्ग प्लेसेस फॉर सक्सेस. यू नीड टू फाइंड समथिंग दैट यू एक्चुअली लाइक. डेवलप अ स्किल सेट देयर एंड स्टार्ट डूइंग दैट टू फाइंड अ सस्टेनेबल जॉब. बट इफ योर आंसर इज येस, then you need to find what have been the barriers in your success. Speed, accuracy, time management, health, source of study, इनमें से कुछ भी हो सकता है. आपको बस उसको in time identify करना है, उसका solution ढूंढना है, उसको correctly implement करना है and then there is no way you cannot succeed. दो चार चीज़ें जो हम observe करते हैं at Made Easy, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी. अगर आप उनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं which is causing a delay in your success, so उनको आप avoid कर सकते हैं. जिसमें पहला है नो प्लान और रॉन्ग प्लान. रैंडमली पढ़ना, अनऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना, आज एक सब्जेक्ट पढ़ाया वो पढ़ लिया, कल किसी के क्वेश्चंस लगा लिए, फिर एक दिन 2 घंटा अखबार पढ़ लिया. ऑल दिस टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट, मे बी 200% ऑफ योर एफिशिएंसी बट जीरो आउटपुट, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ ब्रेन वर्क्स. आपने इंटरनेट खोला, यूट्यूब चलाया, कोई भी साइट का कोई भी लेक्चर प्ले किया और देख लिया, दैट इज जस्ट किलिंग योर टाइम. उससे ना तो आपका रिफ्रेशमेंट ही हुआ ना पढ़ाई. सो इट इज इम्पॉर्टेंट हम ये सब अवॉइड करें. एट द सेम टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड अनवेरीफाइड सोर्सेज ऑफ स्टडी. गलत सीखने से बेटर है हम ना सीखें. क्वेश्चन छोड़ के ही आएंगे कम से कम, नेगेटिव तो नहीं करेंगे ना. एक्चुअली वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स, वेयर एज देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. हम हमेशा मुश्किल काम को कल के लिए बचा के रखते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं. Only because we do not want to get out of our comfort zone. Comfort zone तो छोड़ना पड़ेगा ना, पर छोड़ के learning zone में जाना है, panic zone में नहीं. These are the 3 zones. तो ऐसा नहीं कि आज एक motivational video देखा, कल से 12 घंटे पढ़ना शुरू. अभी 10 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे उठना शुरू. उससे सबसे जल्दी यहाँ वापस आएंगे comfort zone में. Learning zone में रहना है हमेशा हमारे को. जैसे हम अभी हैं उसमें 10% improvement करना है consistently, daily. तो ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट से ही फाइनल एम को हम अचीव कर सकते हैं. सी नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नाइदर फॉर योर फेलियर्स. स्टॉप क्रीबिंग एंड कंप्लेनिंग. अगर मैं इस कोचिंग में होता तो कर लेता, अगर मैं IIT से होता तो पक्का कर लेता. टॉपर्स टॉक देखा, उससे बस ये सीखा कि सब टॉपर्स क्या एडवांटेज पे थे सो दैट दे कुड क्लियर. उससे उनकी गलतियाँ जाननी, उनसे सीखना है. ऑलवेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, बी इट योर्स और अदर्स. Change that complaining attitude. Have that getting it done attitude. Be ready for that extra push. अब एक aim decide किया है तो फिर उसको achieve करने में जो मेहनत लगे वो करना भी आपकी का responsibility है ना. The one who thinks he can and the one who thinks he cannot
are both right. So in the end, I'll just say, manzil mil hi jayegi bhatakte hi sahi, gumraha to wo hain jo ghar se nikle hi nahi. If you're working right, success can only be delayed, but not denied. Thank you.